तमाम हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सचिन तो आपको ये तस्वीरें दिखाई रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे साथ पुनीत हैं उदयपुर से, कुंदन है इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से, शुभम है हमारे साथ भोपाल से। शुभम, भोपाल में शिवपुरी की तरफ से एक काफिला निकल सकता, मध्य प्रदेश में शिवपुरी की तरफ से एक काफिला निकल सकता है ये जानकारी आ रही है, और वो उदयपुर फिर कोटा फिर वो शिवपुरी की तरफ जा सकते हैं, ये कौन सा रूट है और यहाँ आने में कितना टाइम लग सकता है? देखिए गौरव, इस वक्त हम शिवपुरी पे ही मौजूद हैं, इस हाईवे पर ही खड़े हैं, और पूरे डिस्टेंस की अगर आप बात करेंगे तो कोटा से तकरीबन 3 घंटे शिवपुरी आने में लगते हैं, उदयपुर से अगर आप शिवपुरी की बात करेंगे तो 500 किलोमीटर है, और शिवपुरी से झांसी की बात करें यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस लेकर आ रही है तो सबसे पहले राजस्थान आया है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, और फिर जिसका इंतज़ार रहेगा कि उत्तर प्रदेश में ये काफिला सुरक्षित पहुँच जाए। तो महज 96 किलोमीटर की दूरी शिवपुरी से झांसी की है, यानी कि उसके बाद ये काफिला उत्तर प्रदेश में एंटर हो जाएगा। तो शिवपुरी पर इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ पर आने में तकरीबन 8 से 10 घंटे का समय जो है वो लग सकता है। इसके अलावा चूंकि जो रूट की हम बात कर रहे थे, क्योंकि लगातार दिन भर से चर्चा हो रही थी कि आखिरकार कौन से रूट से अतीक अहमद को ले जाया जाएगा, तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट अगर कोई था तो वो यही वाला था। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश का एक रास्ता है जो कि झाबुआ से इंदौर होते हुए शिवपुरी झांसी से होते हुए जाता है, क्योंकि ये कम से कम 5 से 6 घंटे इसमें और अधिक लगते और ज्यादा लगते, इसीलिए यूपी पुलिस ने इस रूट को नहीं चुना। मगर इस रूट की अगर बात की जाए तो हाईवे है, गाड़ियां 100 से ज्यादा की स्पीड से लगातार चल रही है, वो हम देख ही रहे हैं, तो इसी रूट को उम्मीद की जा रही है कि यूपी पुलिस अपनाएगी, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम मध्य प्रदेश की आप बात करेंगे, जो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे गौरव, कि जब विकास दुबे को उज्जैन से पकड़ा था तो उसके बाद भी जब उसे यूपी ले जाना था तो इसी रूट से उत्तर प्रदेश पुलिस लेकर गई थी, यही वो झांसी वाला रूट था। हालांकि हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से फॉलो इस पूरे काफिले को किया जा रहा था, उस वक्त भी हमें याद है कि जब उस काफिले को फॉलो कर रहे थे तो जैसे ही झांसी आया था और उसके पहले एक टोल हुआ था, वहां पर मीडिया की तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया था, उससे जाने की एक तरह से परमिशन अनुमति नहीं दी जा रही थी, और कई बार तो हमने ये भी देखा था कि पुलिस की टीम रुकी भी थी और मीडिया की कार्स की चाबियां तक छीन ली गई थी और कहा था कि आप हमारा पीछा करना बंद कर दीजिए। तो उस तरह की स्थिति की आज भी देखने को मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर सीमा में वो आ जाती है, अभी तक तो आप मध्य प्रदेश में उन्हें फॉलो कर रहे हैं ठीक है, मगर जैसे ही झांसी की बात आएगी उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का रुख क्या होता है वो भी देखना दिलचस्प होगा।